अगर प्रसाद शब्द है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, उपाय करना प्रसाद का अपमान है। और अगर प्रसाद शब्द नहीं है, लड्डू शब्द है, तो फिर आप लड्डू क्यों खाए? ठाकुर जी को भोग लग चुका, अब हम केवल प्रसाद पा रहे हैं, भोग में क्या मिलाया गया ये ठाकुर जी जाने और पीछे जाने, हमें सिर्फ प्रसाद पाया। हमको अगर ऐसे कहा जाए चर्बी मिला हुआ लड्डू खाओ नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे, तो हम गर्दन उड़वा लेंगे लेकिन लड्डू नहीं खाएंगे। लेकिन प्रसाद कोई कान में आके कहे इसमें विष मिला था तो भी आनंद रहेगा, ये अक्षोभ नहीं होना चाहिए। बहुत जोर की सावधानी रखें, नहीं उनकी दुर्गति होगी जो वो वस्तु मिला रहे हैं जानकारी में। ऐसे तो पंचगव्य आदि भगवत चरणामृत आदि बड़े भाव हैं, लेकिन प्रसाद शब्द में हम दूषण शब्द नहीं लगा सकते। अगर हमारे इष्ट का प्रसाद ऐसे करके दिया जा रहा है और हम पा लिए, इसके बाद उसमें बताया गया कि अभक्ष पदार्थ था, तो हमने खाया ही नहीं अभक्ष पदार्थ, इसमें धर्म भ्रष्ट होने के बिल्कुल चांस नहीं।